मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू। माफ करिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सॉरी आई कांट हियर यू, सॉरी आई कांट हियर यू। क्या पूजा है? इज पूजा दिया, इज पूजा दिया। या फिर आप इसको इस तरह ही बोल सकते हो कि इज पूजा अराउंड, इज पूजा अराउंड। कौन है? हु इज दिस, हु इज दिस। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? कैन आई आस्क हु इज कॉलिंग, कैन आई आस्क हु इज कॉलिंग। या फिर आप इसको हिस्सा भी बोल सकते हो कि हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। मैं सीधा यहाँ आया, आई केम स्ट्रेट हियर, आई केम स्ट्रेट हियर। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट। तुम्हारी सोच गंदी है, यू हैव डर्टी मेंटालिटी, यू हैव डर्टी मेंटालिटी। ऐसा सोचो भी मत, डोंट इवन थिंक लाइक दैट, डोंट इवन थिंक लाइक दैट। दरअसल बात यह है कि जैसे हमें कहीं कुछ बोलना होता है कि दरअसल बात यह है कि मेरे पास पैसों की कमी है, दरअसल बात यह है कि कोई भी आपका जो आगे सेंटेंस, तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि एक्चुअली द थिंग इज डेट, एक्चुअली द थिंग इज डेट। फिर आगे आपका जो भी सेंटेंस हो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत समय हो गया, मतलब हम बोलते हैं कि किसी से कि बहुत समय हो गया हम मिले नहीं हैं, या फिर बहुत समय हो गया हम वहाँ पे घूमने नहीं गए हैं। आग जो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम बोलते हैं कि बहुत समय हो गया, तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि इट हैज़ बीन सो लॉन्ग, इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। तुम मुझे देर करवा दोगे, You will make me late, you will make me late। कितनी दूर है? जैसे हम कहीं चल रहे होते हैं और हमारे साथ कोई होता है, हम उससे पूछते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे होते हैं उससे पूछते हैं कि कितनी दूर है। जैसे हम किसी हॉस्पिटल हो, कहीं भी हम जा रहे हों, किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं भी हम हमारी मंजिल हो, तो हम उससे पूछते हैं कि कितनी दूर है। तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे कि हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट। मैं सुबह से बाहर हूँ, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। इसे इंटरनेट पर देखो, लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। मैं इसे करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू डू इट, आई एम अबाउट टू डू इट। तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो। आप फालतू में परेशान हो, यू आर अननेसेसरीली वरीड, यू आर अननेसेसरीली वरीड।
मेरा बिस्तर लगा दो, मेक माई बेड, मेक माई बेड। ऐसा नहीं होना चाहिए, डेट शुड नॉट हैपन, डेट शुड नॉट हैपन, डेट शुड नॉट हैपन। सो गाइस, आज के लिए यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बात करते हुए नहीं बना पाते हैं, तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। हो गाइस, क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकती है उनकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में? अगर आपका आंसर है यस, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे शेयर बटन पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पर जाइए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहे। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, गुड बाय।